जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं SSC GD 2024 का फाइनल कटअप कितना जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर का, जो BSF के आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो जरूर आप लोग लास्ट तक देखिएगा कितना जा सकता है। तो दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए, हम पहले देख लेते हैं प्रीवियस ईयर कितना पर सिलेक्शन हो गया था, फिजिकल कटअप से कितना नंबर ज्यादा था तो सिलेक्शन हो गया था जनरल डिस्ट्रिक्ट मेल कैंडिडेट के लिए। तो फाइनल के बात कर तो देखिए 72 पर सिलेक्शन हो गया था EWS का, और फिजिकल कट ऑफ कितना आया था 41। फिजिकल कट ऑफ से देखिए 31 नंबर ज्यादा था तो BSF में सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। और SC की बात कर तो देखिए 77 पर सिलेक्शन हो गया था फिजिकल कट ऑफ 56। फिजिकल कट ऑफ से 21 नंबर ज्यादा था तो सिलेक्शन हो गया था। और ST की बात करो देखिए 63 पर सिलेक्शन हो गया था फिजिकल कट ऑफ देखिए 39। फिजिकल कट ऑफ से देखिए 24 नंबर ज्यादा था सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद को देखिए फाइनल के लिए 61 पर सिलेक्शन हो गया था फिजिकल कट ऑफ 40। फिजिकल कट ऑफ से देखिए 21 नंबर ज्यादा था तो सिलेक्शन हो गया था। और UR कैंडिडेट के बाद को देखिए 85 पर सिलेक्शन हो गया था फिजिकल कट ऑफ देखिए 64। और देखिए जनरल डिस्ट्रिक्ट में टोटल BSF का पोस्ट की बात कर तो 416 टोटल पोस्ट था देखिए सिर्फ BSF में जनरल डिस्ट्रिक्ट से मेल कैंडिडेट के। तो देख लेते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कितने नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। तो प्रीवियस ईयर देखिए 2022 और 23 की जो वैकेंसी था उसमें कितने में सिलेक्शन हो गया था BSF के लिए, तो मेल कैंडिडेट के आप लोग दिखा रहे हैं। तो फाइनल की बात करते हैं EWS के लिए 67 पर सिलेक्शन हो गया था फिजिकल कटअप देखिए 40। फिजिकल कटअप से 27 नंबर ज्यादा था तो इन लोगों का सिलेक्शन हो गया था। और SC की बात करते देखिए 74 पर सिलेक्शन हो गया था फिजिकल कटअप 55। फिजिकल कटअप से 19 नंबर ज्यादा था सिलेक्शन हो गया था। ST की बात करते 58, फिजिकल कटअप 39। फिजिकल कटअप से 21 नंबर ज्यादा था सिलेक्शन हो गया था। OBC की बात करते 56, फिजिकल कटअप देखिए 40। फिजिकल कटअप से 16 नंबर ज्यादा था OBC का सिलेक्शन हो गया था। UR कैंडिडेट की बात करो देखिए 80 पर सिलेक्शन हो गया था फिजिकल कटअप देखिए 59। फिजिकल कटअप से 21 नंबर ज्यादा था तो सिलेक्शन हो गया था पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर का देखिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से BSF का टोटल पोस्ट की बात करो तो पिछले साल कितना था तो 291 टोटल पोस्ट था पिछले साल BSF में सिर्फ। और इस बार कितना है तो देख लेते हैं टोटल पोस्ट कितना है BSF में कैटेगरी वाइज से। तो देखिए जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो EWS के टोटल सीट देखिए EWS का 23 टोटल सीट है, SC के लिए 18 है और ST के लिए 25, OBC के लिए 62 और UR कैंडिडेट के लिए 100। टोटल देखिए जनरल डिस्ट्रिक्ट में BSF का पोस्ट की बात करो तो 228 इस बार पोस्ट है। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो EWS के लिए 16 टोटल सीट है, SC के लिए 13, ST के लिए 18 और OBC के लिए 42 और UR कैंडिडेट के लिए 69 टोटल पोस्ट है। टोटल देखिए 158 टोटल पोस्ट है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, जो आप लोगों के लिए पिछले साल से बहुत ही कम है BSF में। तो इस बार आप लोगों का फाइनल कटअप कितना जा सकता है तो एक अनुमानित स्कोर आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो ध्यान देकर देखिए ठीक है। बात करो तो अगर आप लोगों का फिजिकल कटअप से ठीक है फिजिकल कटअप से 10+ ज्यादा हो रहा है तो जरूर सिलेक्शन हो जाएगा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से। और कुछ कुछ कैटेगरी के देखिए 10 से 15 नंबर ज्यादा रहेगा तो उन लोगों का सिलेक्शन होगा ठीक है। अगर आप लोग OBC हैं तो 10+, अगर आप जनरल हैं तो 10 से 15+ ज्यादा रहेगा फीमेल कैंडिडेट के फिजिकल कटअप से, जरूर इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है BSF में, जो आप लोगों का अनुमानित बता रहे हैं ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट के बता दिए हैं, तो मेल कैंडिडेट के आप लोगों का मैं स्कोर बता रहे हैं ठीक है। कितना आप लोगों का इतना नंबर रहेगा तो जरूर आप लोगों का BSF के लिए बेस्ट चांस रहने वाला है। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करते EWS के लिए अगर आप लोगों का 85+ स्कोर है तो बेस्ट चांस रहने वाला है। और SC के बात करो तो 98 और ST के लिए 78, OBC के लिए 70 और UR कैंडिडेट के लिए 105+ स्कोर है तो आप लोगों के BSF के लिए अच्छा चांस रहने वाला है। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करते EWS के लिए 80 नंबर और SC के लिए 95 और ST के लिए 75, OBC के लिए 68 और UR कैंडिडेट के लिए 98, इतना नंबर है तो आप लोगों का अच्छा चांस रहने वाला है BSF के लिए इस बार, जो मेरा अनुमानित स्कोर आप लोगों को मैं बताए हैं। जरूर इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं
शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह के वीडियो आप लोगों के मिलता रहेगा इस चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।